हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी होने वाली है कलर साइकोलॉजी के बारे में होने वाली है। इसके पहले कलर्स को लेकर हमने एक क्लास और बनाई थी जो कि कलर थ्योरी वाली थी। अगर आपने मेरी वो क्लास मिस कर दी है तो उस क्लास की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको भी इस क्लास के बाद में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कलर्स किस तरह से हमारे ह्यूमन माइंड को इम्पेक्ट करते हैं, किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरह से हमारे इमोशंस को चेंज करते हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम अपनी क्लास में ढूंढने वाले हैं। दोस्तों, कलर्स को लेकर काफ़ी सारी रिसर्च हुई है आज तक, लगभग 2500 से ज़्यादा रिसर्च तो आपको गूगल पे मिल जाएगी। इसमें से एक रीसेंट जो रिसर्च है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उस रिसर्च पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं रिसर्च की तरफ। तो अगर हम पहले पेज पे देखें तो यहाँ हमारे सामने लिखा है कलर मीनिंग, और यहाँ हमारे सामने कलर्स के कुछ मीनिंग्स सामने लिखे हुए हैं। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि अगर हमें इस तरह का कुछ रिस्पांस क्रिएट करना है ह्यूमन माइंड में, तो हम इस तरह के कलर को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें नेचुरल दिखाना है तो हम ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउन कलर जो है वो अर्थ का कलर है। और अगर हमें दिखाना है, हमें एग्रेसिव दिखाना है, तो हम रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। हमें अटेंशन ग्रैब करना है तो हम रेड और ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अटेंशन सीकिंग कलर है। हमें कोई चीज़ अट्रैक्टिव दिखाना है तब हम इन कलर को यूज़ कर सकते हैं, रेड ऑरेंज को। अगर हमें यदि हमें मूड स्टिमुलेट करना है तो हम पिंक और ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं। ये चारों कलर जो हैं इस पांचों प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। देन थर्ड हमारे पास है ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। तो ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल जो ये कलर हैं, ये हमारे माइंड में जो रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं वो काफ़ी कामिंग यानी कि पीस ऑफ माइंड जैसा रिस्पॉन्स होता है, या लाइकिंग यानी कि हम उसे पसंद करते हैं। ठीक है, सही। अगर हम आगे बढ़ें तो वाइट कलर को लेके जो रिस्पॉन्सेस है वो है लाइट, यानी कि वाइट हमें हल्का फील कराता है। फाइनेंस की बात करें तो वाइट यानी कि चीप वाला एक्सप्रेशन देता है, कन्वीनियंस वाला एक्सप्रेशन देता है, या एक्शन वाला एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, सही। ब्लैक कलर की अगर हम बात करें तो ब्लैक कलर हमें हैवी फील कराता है, एक्सपेंसिव थिंग्स वाली फील कराता है, ड्यूरेबल वाला एक्सप्रेशन देता है, ड्यूरेशन वाला एक्सप्रेशन देता है। यानी उन वेबसाइट को ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपके अटेंशन को ग्रैब करके रखना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप उस वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम अपना बिताएं। तो इस तरह की वेबसाइट के लिए लोग ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट वाला फील आता है, बिजनेस पर्सन ब्लैक कलर का सूट पहनते हैं, तो वो बेसिकली इंपॉर्टेंस क्रिएट करने वाली बात है। ठीक है, सही। जब हम फेडेड कलर्स देखते हैं, यानी कि जो डीसेचुरेटेड से कलर देख रहे हैं, तो वो हमें जो फील देते हैं, वो हमें फील देते हैं कि वो हमसे बहुत दूर हैं, यानी कि वो हमें डिस्टेंस वाला फील देते हैं। तो ऐसे कलर जो कि ब्लैक एंड वाइट हैं, तो वो हमें लग्जरी वाला फील देते हैं। या और इसी के अपोजिट अगर विविड कलर की बात करें, यानी कि ऐसे कलर जो बहुत चटक रहे हों, तो ऐसे कलर हमें क्लोजनेस वाला फील देते हैं और साइज में बिगर हमें रिप्रेजेंट करवाते हैं। दोस्तों, यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास कलर कंपोनेंट, हमारे पास तीन होते हैं, ह्यू, सेचुरेशन एंड वैल्यू। तो ह्यू मतलब है कि जो प्राइमरी कलर है, यानी कि यहाँ पे देखें तो जो प्राइमरी कलर है वो ब्लू है। यहाँ अगर आप देखो तो रेड, ब्लू एंड ग्रीन ये प्राइमरी कलर हैं, तो जो कलर है उसको हम बोलते हैं ह्यू। देन उस कलर की विविडनेस को हम बोलते हैं सेचुरेशन, यानी कि वो कलर लेफ्ट टू राइट जो है विविडनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो सबसे लेफ्ट में होगा वो डीसेचुरेटेड होगा, और जो सबसे राइट में होगा वो सबसे विविड कलर होगा। ठीक है, सही। टॉप टू बॉटम जो है वो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो टॉप मतलब के मिनिमम वैल्यू होगी कलर की, और बॉटम मतलब के हायर वैल्यू होगी कलर की। तो ये तीन जो मेन है कलर कंपोनेंट हैं, जो कि हमें हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिलते हैं, जिससे हम कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्च कर रही है, वो रिसर्च हमें बताती है कि कलर्स जो है वो दो तरह से हमारे ह्यूमन माइंड को इम्पेक्ट करते हैं, एक है इवोल्यूशन के कारण और एक है इकोलॉजिकल बैलेंस थ्योरी के कारण। तो इवोल्यूशन के कारण किस तरह से इम्पेक्ट करते हैं, तो इवोल्यूशन की जब बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो रिसर्चर है उन्होंने ये पाया है कि जो फीमेल्स थी उस दौरान, फ्रूट्स वो उगाते थे तो खेतों से जब फ्रूट्स तोड़ने आते थे, तो वहाँ पे उन्हें ग्रीन कलर की लीव से रेड कलर के पके हुए फलों को छांटना होता था। तो ग्रीन कलर में से रेड कलर को छांटने के कारण जो रेड कलर को लेके एक स्पेशल अटेंशन उनके दिमाग में जो क्रिएट हुआ था, इसके कारण उन्हें रेड काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इसी तरह से कलर प्रेफरेंस कैन ऑल्सो इमर्ज फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड, लाइक थर्स्टी पीपल प्रीफर कलर दैट अपीयर ग्लॉसी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड है, यानी कि अगर हम प्यासे हैं तो हमें जो ग्लॉसी कलर दिखेंगे वो हमारे उस नीड को फुलफिल करेंगे, इसलिए हमें, इसीलिए आप देखोगे कि जो फ्रूट्स के अगर बॉटल्स होते तो काफ़ी ग्लॉसी कलर उसमें यूज़ किए जाते हैं, वाइब्रेंट कलर है, उसका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी ग्लॉसी होता है, जो कि हमें पानी की याद दिलाता है। इसलिए
परसेप्शन जो क्रिएट है उसको ट्रिगर करता है। इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो इकोलॉजिकल बैलेंस थ्योरी जो बोलती है, इकोलॉजिकल बैलेंस थ्योरी मतलब हम अपने माइंड में किस तरह से कलर को एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कनेक्ट करके देखते हैं, तो उसको समझाती है कि यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा दिमाग जो दोस्तों वो किस तरह से चीज़ों को स्टोर करता है उस बारे में। लाइक अगर मुझे बीच का एक्सपीरियंस स्टोर करना है दिमाग को, तो वो स्टोर करेगा ब्लू यानी कि बीच का कलर, और बीच पे क्योंकि हमने काफ़ी हैप्पी मोमेंट बिताए हैं तो हैप्पीनेस उससे कनेक्टेड रहेगी। स्विमिंग हमने की है तो स्विमिंग उससे इंटरकनेक्टेड है। सैंड यानी कि बीच पे हमें रेत देखने को मिलती है, और ओशन क्योंकि बीचेस जो हैं वो ओशन के आसपास मिलते हैं। तो ये पांचों छह चीज़ जो आपस में एक वेब की तरह कनेक्टेड हैं, इनमें से कोई भी एक चीज़ जब हमें दिखेगी तो ये चारों चीज़ों पाँचों चीज़ों की हमें याद दिलाएगी। तो जब हम ब्लू कलर देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो चीज़ें ट्रिगर होती हैं वो ओशन ट्रिगर होगा, सैंड ट्रिगर होगा, स्विमिंग ट्रिगर होगा और हैप्पीनेस ट्रिगर होगी। तो इस तरह से हम कलर्स को लेके हमारे माइंड एक वेब ऑफ नॉलेज क्रिएट करके रखता है। ठीक ऐसे ही तो अगर ये एक्सपीरियंस जो आपके दिमाग में भी पॉजिटिव है अचानक से बदल भी सकता है। यानी कि अगर मान लो आपका एक कार से एक्सीडेंट हो गया जो कि ब्लू कलर की कार थी, उसके बाद आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, आप काफ़ी लंबे समय तक बेड पर रहे और आप कभी चल नहीं पाए, तो उस पर्टिकुलर कलर को लेके आपके दिमाग में एक नेगेटिव रिस्पांस क्रिएट हो जाता है। यानी कि अब भी आप ब्लू कलर देखोगे तो आपको उस एक्सीडेंट की याद आएगी, यानी उस पर्टिकुलर सिचुएशन की याद आएगी, और इस कारण से आप ब्लू कलर को आप हेट करने लगोगे। तो आपने देखा कि ब्लू कलर को जहां हम हैप्पीनेस वाले एलिमेंट के कारण लाइक कर रहे थे, पसंद कर रहे थे, उसी ब्लू कलर के साथ में हमारा रिस्पांस चेंज हो जाता है जब हमारे साथ कोई ट्रेजेडी होती है और वो उस कलर से कहीं एसोसिएटेड है। तो इस तरह से भी हमारा ह्यूमन रिस्पांस चेंज होता है कलर्स को लेके। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों में अगर हमारे घर पर कोई छोटा बच्चा है, लड़का है, तो हम उसको ब्लू कलर के टॉयज़ ला के देते हैं, ब्लू कलर के कपड़े ज़्यादा ला के देते हैं, और अगर लड़की है तो उसे पिंक कलर के टॉयज़ या पिंक कलर के कपड़े ज़्यादा पहनाना पसंद करते हैं। और इस कारण से उन बच्चों के अंदर जो लड़का है तो उसको ब्लू कलर को लेके एक अलग रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है, और लड़की है तो उसको पिंक कलर को लेके एक अलग रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है। इसी कारण से बच्चे में लड़के अक्सर ब्लू कलर पसंद करते हैं और लड़कियां अक्सर पिंक कलर पसंद करती हैं। तो ये भी हमारे इवोल्यूशन की थ्योरी के कारण, इकोलॉजिकल बैलेंस थ्योरी के कारण हमारे दिमाग में ये रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। इसी तरह से अगर कलर के मीनिंग की बात करें कि ब्लू कलर का क्या मीनिंग है, ब्राउन कलर का क्या मीनिंग है, येलो कलर का क्या मीनिंग है, तो एक सेंटेंस में इस बात को समझाना बड़ा डिफिकल्ट है। तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि किस कलर का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसके साथ कलर के साथ हमारा पास्ट में एक्सपीरियंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझे तो जेल में जो आप देखो कि सिपाही जो होते थे तो, और खासकर कैदियों को जो रखा जाता तो सिंगल बैरेक में रखा जाता, तो वहीं उन्हें यूरिन करना है, वहीं पर उन्हें सारे अपने काम करना है, तो वहाँ से इतनी स्मेल आती थी और उसमें यूरिन का येलो कलर देखने के कारण जो वहाँ पे कस्टोडियन होते थे यानी कि जो सिपाही होते थे, तो येलो कलर को लेके उनके दिमाग में एक नेगेटिव रिस्पांस डेवलप होता था, यानी कि वो डिसगस्ट डेवलप होता था। तो जब भी वो येलो कलर को देखते थे तो उनको डिसगस्ट वाली फीलिंग आती थी। तो इस तरह से जो कलर को लेके हमारा रिस्पॉन्स है वो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से इफेक्ट होता है। ब्लैक और वाइट कलर की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि इसका कई कल्चर में डिफरेंट तरह का परसेप्शन है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में ब्लैक और वाइट कलर को काफ़ी धार्मिक कलर माना जाता है, यानी कि वो शादी में, चर्च में ब्लैक और वाइट कलर काफ़ी प्रिफर करते हैं पहनना। ठीक इसके अपोजिट अगर आप देखें तो इंडिया में खासकर ब्लैक और वाइट कलर को काफ़ी नेगेटिव कलर माना जाता है, यानी कि वो ऐसी ओकेजन्स पे अवॉइड किया जाता है पहनना जो कि धार्मिक ओकेजन्स हो, यानी कि आप शादी में अगर आप देखें या कहीं मंदिर जा रहे हैं तो आप अवॉइड करते हैं कि। तो फिर एक प्रश्न आता है दिमाग में कि यार कलर को लेके इतने पर्सनल ओपिनियन है अगर कल्चर के और पर्सन्स के, तो क्या कोई यूनिवर्सल रिस्पॉन्स भी है जो कि सारे ह्यूमंस में एक तरह का हो। दोस्तों इस स्लाइड से अब हम समझेंगे कि यूनिवर्सल रिस्पॉन्स जो हैं कलर्स को लेके वो किस तरह के हैं। तो यहाँ आप देखोगे वाइट कलर मतलब के लाइट कलर, ये एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्स है, यानी कि दुनिया में किसी को भी अगर आप पूछोगे तो वाइट को देखकर वो उसे लाइट ही कहेगा, यानी कि वो हल्का कहेगा उसको, और ब्लैक मतलब के भारी यानी कि हैवी कहेगा उसको। तो ये एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्स है। ऐसे ही प्राइसिंग को लेकर वाइट मतलब चीप और ब्लैक मतलब एक्सपेंसिव, ये एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्स है। ब्लैक मतलब इंपॉर्टेंट और वाइट मतलब इसको इग्नोर कर सकते हो, इस तरह का जो रिस्पॉन्स है ये भी एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्स है। इसको आगे हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स है। तो यहाँ आप देखोगे तो ये माइक जो है एक वाइट कलर में है और एक ब्लैक कलर में है, तो इन दोनों को देखकर आपको ये रियलाइज़ होगा कि वाइट जो है काफ़ी हल्का या इस तरह का प्लास्टिक मटेरियल है जो कि आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जबकि ब्लैक को देखकर आपको लग रहा हो कि हाँ ये थोड़ा हैवी मटेरियल है जो कि काफ़ी ड्यूरेबल रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा।
ठीक है सही। तो यहाँ अगर हम देखें तो सेकंड जो एग्जांपल दिया है, तो आप देखो कि पहला वाला जो है वो चॉकलेट का एक रैपर है और दूसरा वाला भी एक चॉकलेट का रैपर है, जिसमें फर्स्ट वाले में वाइट कलर यूज़ किया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट बिल्डअप कर रहा है ब्राउन कलर के चॉकलेट के साथ। देन नेक्स्ट जो है वो डार्क कलर में यूज़ किया हुआ है जो कि एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी नहीं बिल्ड कर रहा है और बहुत डेंस हमें चॉकलेट दिख रहा है, यानी कि इस तो इसको देख कर अगर हम सोचें कि हम पता लगाने की कोशिश करें कि चॉकलेट किस तरह की है, तो हम कहेंगे पहली वाली जो चॉकलेट है काफ़ी लाइट चॉकलेट है और दूसरी को हम कहेंगे काफ़ी डार्क चॉकलेट है ना, यानी कि कलर्स के कारण ही ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे दिमाग में ट्रिगर होता है। ठीक है सही। अगर यहाँ पे अपन देखें तो सेम प्राइसिंग लिखी हुई है, पहले पे भी $49 है, दूसरे पे भी $49 है, लेकिन ब्लैक वाले को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव प्राइस है, यानी कि महंगा बिक रहा है, और जबकि वाइट में लिखा है तो हमें लगता है अरे यार शायद ये बहुत सस्ता है। कॉस्ट को लेके भी आप देखो कि जो एक्सप्रेशन है हमारे दिमाग में वो कलर से कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट हो जाता है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 स्टार है जो कि वाइट में क्रिएटेड है, और यहाँ पे फिर वही सेम 5 स्टार है जो कि ब्लैक में क्रिएटेड है। तो ब्लैक वाला हमें काफ़ी इंपॉर्टेंस दिखता है क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो इंगेज करके रखता है, तो ब्लैक मतलब यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट फील कराता है। ठीक है सही। नेक्स्ट पे अपन जाएँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेम कलर के दो ब्रीफ केस यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन आप देखोगे कि आपको जो कलर डार्क दिख रहा है वो ऐसा लगता है कि हमारे नज़दीक है और हमें बड़ा दिखता है, अनकॉन्शियसली हमारा दिमाग उसको एज ए बिगर देखता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर दिखती हैं बेसिकली वो हमारे नज़दीक होती हैं, और जो चीज़ें हमें थोड़ा फेडेड दिखती हैं वो बेसिकली दूर होती हैं। तो ये वाला जो रिस्पॉन्स है उसके कारण हमें जो वाइब्रेंट कलर होते हैं वो लार्जर दिखते हैं, जो पेस्टल कलर होते हैं या फेडेड से कलर जो होते हैं वो हमें स्मॉलर दिखते हैं या दूर दिखते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो यहाँ आप देखोगे कि एक वाइट कलर की कार है और एक ब्लू कलर की कार है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे खड़ी हैं, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये फील आता है कि जो सेचुरेटेड कलर है वो हमें नज़दीक दिखते हैं और जो डिसेचुरेटेड कलर यानी कि वाइट कलर है वो हमें कंपेरेटिवली थोड़ा दूर फील होते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप देखोगे तो जो वाइब्रेंट कलर होते हैं वो हमें क्लोजर फील कराते हैं, यहाँ पे भी आप देखोगे तो जो वाइब्रेंट कलर है वो क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा दिखता है और हमें इंगेज करके रखता है, इसलिए हमें लगता है कि वो हमारे नज़दीक है, तो इस तरह का भी एक भ्रम हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं। और इसी तरह के रिस्पॉन्स को जो सेचुरेशन को लेकर हमारे दिमाग में जो भ्रम है उसको आपने देखा होगा कि मूवीज़ में भी कई बार जो सिचुएशन ड्रीमी दिखाने की कोशिश करते हैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट में या फेडेड कलर के इमोशन में दिखाते हैं, या जिस चीज़ को फ्यूचर में भी दिखाने की कोशिश करते हैं उसको भी वो एक पर्टिकुलर किसी टोन में दिखाते हैं, ताकि उससे ये फील आता है कि जो कैरेक्टर है वो ड्रीम देख रहा है या वो कल्पना कर रहा है कि ये उसके साथ आगे घटना घटित होने वाली है, या वो ड्रीम देख रहा है कि ये उसके साथ में पहले हो चुका है। तो इस तरह की सिचुएशंस को दिखाने के लिए भी हम डिसेचुरेटेड कलर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है सही। अगर नेक्स्ट पे हम जाएँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि लग्जरी को शो करने के लिए भी हम ब्लैक एंड वाइट कलर को शो करते हैं। सेम आप देखोगे कि यहाँ पे इमेज है, लेकिन फर्स्ट क्योंकि वो कलरफुल है वो इतना हमें प्रीमियम नहीं लगती जितना कि ब्लैक एंड वाइट हमें लग, क्योंकि ब्लैक क्योंकि थोड़ा एक मिस्टीरियस कलर है और मिस्ट्री कहीं ना कहीं हमें एक्सपेंसिव लगती है, क्योंकि मिस्ट्री का मतलब ये कि जिसे हम जान ना पाए, तो जिसे हम जान नहीं पाते उसको लेके अलग क्रियोसिटी हमारे माइंड में ट्रिगर होती है। ठीक ऐसे ही नीचे वाला जो एग्जाम्पल है इसको अगर हम समझें तो इनके कहने का मतलब है कि जो चीज़ एक्सपेंसिव दिखाना है अगर वो हमसे दूर होती है तो वो हमें एक्सपेंसिव लगती है, यानी कि जो हमारी रीच से दूर है, यानी कि हमारी लाइक हमारी अप्रोच से दूर है, यानी कि अगर मान लो मुझे आईफोन खरीदना है और मेरा बजट जो है वो 20,000 का ही है, तो आईफोन खरीदना मेरे लिए काफ़ी दूर का डिसीजन लगेगा, इस कारण से वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगेगा। तो वो वाला जो इमोशन है वो जब हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें अपने आर्टवर्क में जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको जो भी अदर एलिमेंट्स है उससे दूर काफ़ी रखना होगा ताकि वो एक्सपेंसिव फील कराए। इसका अगर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो मैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक टिफनी का एड है जिसमें आप देखोगे कि उसने पूरा इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में पूरा वर्टिकल यूज़ किया है, देन स्मॉल सा कॉपी, और जो प्रोडक्ट है क्योंकि वो एक्सपेंसिव उसको ट्रीट कराना चाहते हैं इसको एकदम क्लीन स्पेस में यूज़ किया है मेन इमेज से काफ़ी दूर और नीचे उनका लोगो है। ठीक है सही। नेक्स्ट में देखें तो यहाँ भी आप देखोगे कि हाफ में उनने एक क्राउडेड इमेज यूज़ किया है, देन उसने यहाँ क्लीन स्पेस में बिल्कुल क्लीन स्पेस में अपना प्रोडक्ट यूज़ किया ताकि वो एक्सपेंसिव वाला जो फील है क्योंकि वो उससे दूर है और काफ़ी क्लीन जगह में, इसलिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव वाली फील क्रिएट होती है। यहाँ भी आप देखोगे तो एक इमेज बड़ा क्राउडेड सा है, क्लीन इमेज यूज़ किया है जहाँ पर उनने अपना प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो इस तरह से हम एक्सपेंसिव जब किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो हम उसको बिल्कुल क्लीन जगह में और छोटे साइज में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि इन्होंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जब
ओवर सेचुरेटेड कलर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिटेल्स को हमें देखने में अवॉइड करते हैं, इसलिए जब भी हम ज़्यादा डार्क कलर यानी वाइब्रेंट कलर यूज़ करें तो उसमें ऐसी छोटी डिटेल ना यूज़ करें, बल्कि उसमें हम इस तरह के सेचुरेटेड में हम इस तरह के बड़े इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें छोटा डिटेल यूज़ करना है तो फिर हमें लाइटर कलर यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा डिटेल पे ध्यान जाए। तो बेसिकली हमें जब काफ़ी सारा टेक्स्ट यूज़ करना है तो हमें इस तरह के पोस्ट सेचुरेटेड कलर यूज़ नहीं करना है और हमें लाइटर कलर यूज़ करना है। ठीक, ऐसे ही अगली रिसर्च है दोस्तों, जहाँ पे आप देखोगे क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो पूरा फिल है स्पेस ऐसा हमें रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ब्लैक स्पेस में जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक्शनेबिलिटी यानी कि मूवमेंट का अपॉर्चुनिटी जो है वो लेस होता है। तो वाइट इंटरफेस जो है वो हमारे लिए ईजी गोइंग होता है, जबकि ब्लैक इंटरफेस जो होता है वो हमारे लिए रिटेंशन उस पर ज़्यादा होता है, लेकिन वो काफ़ी स्लो मूविंग होता है। तो इसको हम नीचे इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे कि तो वाइट कलर के कुछ यूएक्स डिज़ाइन है और नीचे देखोगे तो ब्लैक कलर के कुछ यूएक्स डिज़ाइन है। तो नीचे खासकर जो ब्लैक कलर के यूएक्स डिज़ाइन है ज़्यादातर ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना है उनको, यानी कि वो चाहते हैं कि यूज़र इन वेबसाइट पर ज़्यादा देर तक अपना टाइम स्पेंड करें, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो यूएक्स डिज़ाइन रखा है वो ब्लैक रखा है। नेटफ्लिक्स का साइट है, स्पॉटिफाई का साइट है या मास्टर क्लास का साइट है। ठीक, इसके अपोजिट में जब हम बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ पे जब हमारा कंज्यूमर आए तो वो फास्ट मूविंग रहे, यानी कि फटाफट से वो अपनी शॉपिंग करे, अपना प्रोडक्ट जो उसको पसंद है उसको एड टू कार्ट करे, यूज़र जो है डिटेल जो भी हम दे रहे हैं कंटेंट जो है उसको काफ़ी इजीली परसीव करे और अपना डिज़ायर एक्शन यानी कि जो भी शॉपिंग वो करना चाहता है फटाफट शॉपिंग कर ले। अगर इस तरह का अगर हमारा अप्रोच है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव है, तो हमें अपने डिज़ाइन को वाइट कलर में रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखोगे दोस्तों तो ब्लैक और वाइट कलर को लेके समझाने की कोशिश की कि जब वाइट कलर होता है तो हमें ज़्यादा चीज़ें विजिबल होती हैं, इस कारण से भी हम वाइट को ज़्यादा अच्छे से गो थ्रू कर पाते हैं और ज़्यादा फास्ट उस पर मूव कर पाते हैं। जबकि ब्लैक कलर जो होता है वो मिस्टीरियस कलर है, क्योंकि नाइट का कलर आप देखो तो ब्लैक कलर उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, डिटेल्स हम देख नहीं पाते हैं। इस रिस्पांस के कारण ही हमारा दिमाग जो है ब्लैक कलर के जो वेबसाइट होते हैं उसमें हमें कंटेंट को कंज्यूम करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो ये एक रिसर्च है दोस्तों जो 2008 से 2012 के बीच में हुई है। यहाँ पे इस रिसर्च में ये पता चलता है कि रेड कलर जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल को बहुत ही अट्रैक्टिव कलर लगता है, यानी कि एक कॉमन परसेप्शन जो है वो रेड कलर को लेके ये है कि रेड कलर में लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और अगर एनिमल्स की बात करें तो 1983 में एक रिसर्च हुआ था, यहाँ पे ये बोल रहा था मंकी जो है डेवलप कर लेते हैं एक स्वेलिंग उनके बट पे जो कि रेड कलर की होती है, वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वो अपने मेट्स को अट्रैक्ट कर पाए। तो इंसानों में भी इसी तरह का लगभग सिमिलर मैकेनिज्म काम करता है। और 2013 में एक स्टडी हुई है दोस्तों जिसके थ्रू ये पता चलता है कि कलर को लेके हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन भी है कि रेड कलर को लेके हम सोशल वार्म्थ महसूस करते हैं। बात कर रहे हैं स्टिमुलेटिंग की, तो वार्म कलर सेचुरेटेड कलर आर स्टिमुलेटिंग 93, तो 1993 में दोस्तों एक इन्होंने रिसर्च किया जिसमें इनको पता चलता है कि वार्म कलर जो होते हैं वो काफ़ी हमारे मूड को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि एग्रेसिव बना देते। लाइटर कलर है वहाँ पे जो हमारा बिहेवियर है उसके साथ वो बहुत कामिंग है, सूदिंग है। ठीक, इसके साथ ही रेड कलर यानी कि काफ़ी वाइब्रेंट कलर की तरफ हम जाते हैं तो वो थोड़ा सा हमारा इमोशन जो है वो लाउड हो जाता है, तो हमारे मूड को भी स्टिमुलेट करता है कलर का स्पेक्ट्रम। तो ये एक रिसर्च है जिसमें इन्होंने काफ़ी स्पोर्ट्स के मैचेस का एनालिसिस किया और उन्होंने इसमें पाया कि जो वाइब्रेंट कलर का जिस टीम का ड्रेस होता है वो अक्सर काफ़ी एग्रेसिव परफॉर्म करती हैं। ठीक, इसके अपोजिट जिस टीम की ड्रेस का कलर डिसेचुरेटेड यानी कि वाइट कलर का होता है, लाइटर कलर का होता है, वो थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करती हैं। तो आई थिंक जब हम कलर्स के बारे में इतना यहाँ डिटेल में पढ़ लेते हैं तो अब यहाँ पे हमको समझ में आ जाता है कि हमें किस तरह के कलर्स चूज़ करने हैं, जब हम किस पर्टिकुलर तरह का रिस्पांस अपने ऑडियंस में बिल्ड करना चाहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी और कलर साइकोलॉजी को लेकर जो आपके दिमाग में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी वो थोड़ा इम्प्रूव हुई होगी। तो ये सारी जो थ्योरी है दोस्तों ये काफ़ी वर्केबल है और फंक्शनल है, और इसी तरह की फंक्शनल कलर थ्योरी का यूज़ करके जब भी आप डिज़ाइन बनाओगे तो वो आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगी, यानी कि आप जो भी डिज़ायर एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो अपने ऑडियंस से या एक पर्टिकुलर डिज़ायर इमोशन आप चाहते हो कि आपके कंज्यूमर के माइंड में ट्रिगर हो ताकि वो एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करे, तो उस तरह से आप इस कलर थ्योरी का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।